ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे देश में क्या महिलाएं, क्या मासूम बच्चियां अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी? आज वो दिन आ गया है कि दिन दहाड़े एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत की जाती है। पीड़ित परिवार सिबली नगर गुलशन अपार्टमेंट में रहता है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और आरोपी भी वही बगल की इमारत का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आज सिबली नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 6 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया। जिसने ये अश्लील हरकत की उसका नाम मुबीन अब्दुल रशीद खान है। बताया जा रहा है कि मुबीन नशा भी करता था और जिस वक्त उसने ये हरकत की उस वक्त भी वो नशे में था। 6 साल की मासूम बच्ची को इसके पहले भी रास्ते में अश्लील हरकत मुबीन ने किया था। बच्चे ने घर वालों को भी इसके बारे में बताया था जो उसके साथ अश्लील हरकत करता था। घर वालों ने कई बार तलाशी की मगर कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर बच्ची के साथ कौन अश्लील हरकत कर रहा है। मगर आज जब बच्ची स्कूल से लौट रही थी तभी मुबीन ने बच्ची को पकड़ लिया और गोद में बिठाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा। तभी किसी की नजर पड़ गई, इलाके में कोहराम मच गया। लोगों ने जमकर मुबीन की पिटाई की और पिटाई के बाद मुबीन को डायघर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ जब आप वहाँ पर गए थे, क्या देखा थी? मेरे बच्चे जो है वो आज कम से कम 10-15 दिन से मुझे बोल रहे थे, अब अंकल है कि जो कि हमें बहुत परेशान कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है। तो मैं उनसे पूछा था, बेटा ठीक है मेरे को बताओ कौन है वो। तो हम लोग ने कितनी बार उन लोग को ढूंढने पर मिला नहीं। आज क्या हुआ, आज मैं भी घर पे था, बैठा काम पे नहीं गया था, तो बाहर था मैं रोड पे दुकान के पास, और मेरी लड़की आ रही थी उधर से। तो उनको फिर वही आदमी जो है उनको फिर पकड़ा, गोद में बिठाया और छेड़खानी चालू किया। तो उसने चिल्लाना चालू किया। तो मैं मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं था, कुछ दूरी पे था, तो मेरे को आवाज़ उनकी आई कान उधर। तो मैं दौड़ के गया वहाँ पे, तो देखा मेरी लड़की है वो, तो अब्बा करके चिल्लाने लगे। अब्बू मुझे ये छेड़ रहे। तो उसको जो है फिर देखा वो मेरे को दौड़ते हुए आ रहा था, मैं वो जो उनको मतलब छेड़ रहे थे वो देखा मेरे को कि मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ, तो उसको बच्ची को जो है उसको नीचे छोड़ा, वो भागने लगा। मैं उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद जब मैं उनके कलर पकड़ा तो उनको देखा मैं, तो नशे के हालत में थे। अब वो क्या था, ड्रग था, क्या था, कौन सा नशा किया था, उतना तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन नशे में था वो। क्या हुआ था अंकल, आपके साथ क्या कर रहे थे, क्या किया था? स्कूल जा रही थी तो मेरे अंकल ने हाथ पकड़ के गोदी में दस्ती बैठा रहे थे। अम्मी और अब्बू को चिल्लाए फिर आए तो झगड़ा चालू हुआ, फिर पुलिस चौकी में गए लेके, फिर मैं भी गई, फिर पूछे वही इधर मैंने बताई, फिर मेरा नाम उधर लिखने का। कितने दिन से अंकल परेशान कर रहे थे? 10-15 दिन से। तो घर पे आप आकर आपने बताया था? हाँ। तो अम्मी अब्बू ने आप उसे ढूंढा नहीं है, कहाँ रहता है वो? हाँ ढूंढ रहे थे। ठीक, फिर आज मिले। ठीक, मत भेजू तो मतलब नहीं भेजने का ये मतलब नहीं कि नहीं भेजना है। डरते वो लोग को ढूंढे भी आप, जब उसका चेहरा ही हम लोग नहीं साथ में लेके जाते थे, छोड़ते थे, जब उसका चेहरा देखे ही नहीं तो उसको हम पकड़ नहीं सकते। फिर हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी, उसका नाम मैं ओपन नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसको उसके साथ में देखा, तो उसकी अम्मी को फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी लड़की का हाथ वो आदमी पकड़ रहा है तुम्हारी लड़की, तुम लोग जाओ वहाँ पे। फिर आज जब उन्होंने क्या किया है, लड़की जब स्कूल से वापस आई है या अपने एरिया में, उसके बाद इसका हाथ पकड़ के वो अपने गोद में ले लिया। अब बच्ची तो बोल रही है कि गंदी जो भी मतलब किया था। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या मासूम बच्चियां अब अपने गली मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं है? छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी वारदातें सामने आ रही हैं। ये घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं डायघर पुलिस ने आरोपी मुबीन के खिलाफ IPC की धारा 354 लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 8 और 12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मुबीन को गिरफ्तार कर लिया है।
तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।